हेलो एंड वेलकम इन जंप इन एंड्रॉयड बाय अभिषेक सिन्हा प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। जंप इन एंड्रॉयड का ये 6th क्लास है और आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं और हम विजेट्स के ऊपर बात करेंगे। चलिए मैं विजेट्स का पहले एक आपको डेमो दिखा दूं कि आप क्या सीखने वाले हैं। ऐसे आप थंबनेल्स में देख चुके हैं कि आज हम टेक्स्ट व्यू के ऊपर बात करेंगे। अब हम इस पर हम एक बार हम प्रेस करेंगे। अभी देखिए प्रेस किया और यहाँ पर शो हो गया, चेंज हो गया दिस टेक्स्ट क्लिक्ड वन टाइम। फिर अगर हम इस पर अगेन अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये शो करेगा टू टाइम्स। देखिए यहाँ टू टाइम्स का क्लिक करने पर, अब फिर टिक किया थ्री टाइम्स दिखा। अब हम फिर करेंगे फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, इस तरीके से हम सिक्स टाइम्स, सेवन टाइम्स, जितना भी चाहेंगे उतना टाइम क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पे वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ गए हैं और अपना जो प्रोजेक्ट ओपन था पहले उसे हम क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज करने के लिए फाइल में जाना है और आपको यहाँ पर क्लोज प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं झुक कर दिखा दूँ, इस पर जा करके आप पहले इसे क्लोज कर दें। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट क्लोज हो चुका है और एक न्यू प्रोजेक्ट हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। ये थोड़ा टाइम दे रहा है ओपन होने के लिए। हाँ, यहाँ पे आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और इसे आप नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का जो नेम देना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ से दे सकते हैं। मैंने आपको कुछ पहले बताया था तो मैं यहाँ पे TEXT टेक्स्ट नाम का अपना दिया प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैं आइसक्रीम सैंडविच ही रहने दिया हूँ, 100% डिवाइस पे वर्क करना चाहता हूँ और फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करते ही यहाँ अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे आपका दो फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगा, एक XML फाइल और एक जावा फाइल। ठीक है, तो ये जब तक ओपन होता है थोड़ा सा टाइम लगा ओपन होने के लिए, हम ओपन होने देते हैं तब तक। नीचे सारा फाइल सक्सेसफुली सिंक्ड हो जाने के बाद, जैसे मैं आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ लिखा सक्सेसफुली सिंक्ड, जब ये सिंक सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका इस टाइप का दो फाइल ओपन होता है, एक आपका activity.xml फाइल और एक activity.java फाइल। तो देखिए यहाँ का जो ये जो आपका फॉन्ट दिख रहा है बहुत छोटा दिख रहा है, अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जा करके आपको जाना है सेटिंग्स में। उसके बाद आपको आना है एडिटर्स में। एडिटर्स में आने के बाद यहाँ पे आप फॉन्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो आप इसको 20 कर दीजिए, इतना बड़ा रहने देते हैं। ठीक है, इसे हमने अप्लाई किया और ओके, तो ये बड़ा हो चुका है साइज। तो देखिए जिस टाइप से आप इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है सारा स्क्रीन आपका एडजस्टेबल होता है यहाँ का। ऐसे में इसे आप और नीचे कर लें। ठीक है, अगर साइज़ कुछ बड़ा लग रहा है आपको तो आप इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सही साइज है, सही साइज है। हाँ, तो आपको यहाँ करना क्या है, आप सबसे पहले अपने XML फाइल में जाए। आपको पता है XML का दो व्यू होता है, एक टेक्स्ट व्यू और एक डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में ये आपको दिखाता है कि अभी आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, तो हमें जो बनाना है, देखिए आप हेलो वर्ल्ड जो लिखा कहाँ है तो यहाँ देखिए एक टेक्स्ट व्यू का कोडिंग है। मैं आपको सारा कोडिंग के जरिए बताऊंगा, कोडिंग के जरिए आप जानिए कि बहुत ही आसान है कोडिंग के जरिए करना। आप ड्रॉप मेथड से भी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो डिज़ाइन व्यू में फैसिलिटी मिलता है ड्रॉप एंड ड्रैग मेथड का, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, आपको मैं कोडिंग के जरिए बताऊंगा। आप इसी का प्रैक्टिस करिए तभी एक अच्छे प्रोग्रामर आप बन सकते हैं। ठीक है, आप क्या करें टेक्स्ट व्यू को इसे पहले हटा दें। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू को हटाने के बाद आप डिज़ाइन व्यू में देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं हमेशा कि टेक्स्ट व्यू के साथ साथ हमेशा डिज़ाइन में दिखता रहे तो इस साइड में देखें, राइट साइड में प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसे क्लिक करके रखेंगे तो आप जो भी आप कोडिंग करेंगे वो यहाँ पर दिखता जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, अभी तो देखिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको पहले मैं लेआउट के बारे में बताता हूँ कि आप यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट लेआउट का यूज़ किया गया है। आप इसको चेंज करके अभी लीनियर लेआउट पे वर्क कीजिए। मैं आपको बताऊँगा आगे लेआउट्स के बारे में और भी, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि लीनियर लेआउट पे आज हम वर्क इनिशियल में स्टार्ट करना सीखेंगे। लीनियर लेआउट लिखते ही यहाँ पर ऊपर और नीचे में दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका लीनियर लेआउट लिखने के बाद आपको यहाँ करना है कि टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, कैपिटल हैंड में स्टार्ट करेंगे लिखना। ओके, टेक्स्ट व्यू लिखते ही यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको समझना क्या है, ये रैप कंटेंट और मैच पैरेंट दो ऑप्शन आता है। देखिए आपका जो ये टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू पहले आया कहाँ, ये जो टेक्स्ट व्यू है ये पूरा पूरी
जो है वो आपका इस लीनियर लेआउट टैग के अंदर में है। यानी ये जो लीनियर लेआउट का टैग ऊपर से स्टार्टिंग तक, देखिए लास्ट यहाँ पे हो रहा है ये लीनियर लेआउट, ठीक है, तो ये इस टैग के अंदर में यानी एक लेआउट आपको मिल जाएगा। उस लेआउट के अंदर में आप व्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप जो यहाँ व्यू डाले हैं वो व्यू कौन सा है, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू की स्टार्टिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग इस जगह है, ठीक है। तो हम इससे और नीचे करते हैं, हम इसमें और भी कुछ डालने वाले इसमें, देखिए इसके प्रॉपर्टीज़ हम डालते हैं। पहले प्रॉपर्टीज़ में बोला है कि आपका जो टेक्स्ट व्यू है उसका जो लेआउट विड्थ क्या होगा, विड्थ आप क्या देना चाहते हैं और हाइट क्या देना चाहते हैं। तो दो ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, मैच पैरेंट और रैप कंटेंट। सबसे पहले मैं आपको रैप कंटेंट बताता हूँ। यहाँ रैप कंटेंट लिखेंगे, रैप कंटेंट लिखने का मतलब होता है कि जितना बड़ा आप टेक्स्ट लिखेंगे उतना ही वो जगह लेगा, ठीक है। तो फिर से जान लीजिए, रैप कंटेंट का मतलब होता है जितना बड़ा आप टेक्स्ट लेंगे उतना ही बड़ा वो स्क्रीन एरिया लेगा। मैच पैरेंट का मतलब होता है कि वो पूरे स्क्रीन पे कवर अप कर लेगा, हॉरिजॉन्टली जितना भी जगह होगा वो पूरा स्क्रीन कैप्चर करेगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताऊंगा, पहले तो मैं ये लिख दूं, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख के पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट लिख करके यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा एंड्रॉयड टेक्स्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको टेक्स्ट यहाँ पे आप इस टाइप से मत लिखें, पहले मैं समझा दूँ। वैसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँ दिस, कैप्स मेरा ऑन हो गया था इसलिए ऐसा होता है, दिस इज टेक्स्ट, ठीक है, दिस इज टेक्स्ट दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने दिस इज टेक्स्ट दिया। लेकिन इस टाइप से आप यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखा कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं लिखा कीजिए। पहले आप व्यू देख ले, प्रीव्यू देखें, मैं आपको पहले मैच पैरेंट और रैप कंटेंट बताता हूँ। उससे पहले मैं इस टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आपको बड़ा करने के लिए क्या करना है, टेक्स्ट साइज पे क्लिक करें और इसे बड़ा करने के लिए आप इसे 30 SP कर दें, ठीक है, इसके अवेलेबल पिक्सल, ठीक है, 30 SP कर दिया, आपको ये बड़ा दिख रहा है। और इसे बोल्ड अगर करना चाहते हैं तो ये बोल्ड भी आप कर सकते हैं। तो आप करें टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल आया, आपको बोल्ड करना है तो यहाँ बोल्ड करें। अब बोल्ड के साथ आप इटैलिक भी चाहते हैं एक ही साथ करना, तो इसके लिए आप यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको और ऑपरेटर पता है तो आप और ऑपरेटर यहाँ लिखें, और इटैलिक करना है तो आई लिख कर इटैलिक। देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट इज जो है वो बोल्ड इटैलिक हो गया। और ये देखिए ये पूरा पूरी स्क्रीन से सटा हुआ है लेफ्ट साइड में, जिससे हम चाहते हैं कि ये मिडिल पोर्शन में आए। पहले मैं इसे मिडिल पोर्शन में लाने से पहले मैं आपको बताऊँ, देखिए ये जो एरिया है, मैं थोड़ा और इसे जूम करता हूँ, देखिए ये जो है दिस इज टेक्स्ट, ये देखिए जितना कंटेंट है उतने दूर तक ही बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम मैच पैरेंट करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ क्या होता है। मैंने इसे रैप कंटेंट ही रखा था, अब मैं इसे मैच पैरेंट करता हूँ। देखिए मैच पैरेंट किया और इसे भी हम मैच पैरेंट करते हैं, मैच पैरेंट। अब आप देखें कि ये जो टेक्स्ट है वो पूरा वो जो स्क्वायर बन रहा था वो पूरा जगह ले लिया, ठीक है। अब मैं इसे मैच पैरेंट करने के जगह इसे मैं रैप कंटेंट ही अगर रखता हूँ, रैप कंटेंट रखता हूँ, तो देखिए नीचे का जो हाइट है वो रैप कंटेंट है, मतलब जितना टेक्स्ट है उतना ही वो व्यू एरिया लिया है। देखिए लेआउट का हाइट, ये जो लेआउट हाइट है, या रैप कंटेंट कहने का मतलब जितना टेक्स्ट है, देखिए दिस इज टेक्स्ट, जितना ऊपर से नीचे नीचे तक जितना हाइट है वो पूरा हाइट लिया है। और जैसे ही हम इसे मैच पैरेंट करेंगे तो देखिएगा ये नीचे भाग जाएगा, ये लाइनिंग आपको दिखेगा नहीं। मैं इसे मैच पैरेंट किया, देखिए वो घसक के पूरा नीचे चला गया, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैच पैरेंट कहने का मतलब। और रैप यहाँ लिखेंगे, रैप कंटेंट लिख दिए, जितना आपका कंटेंट है उतने में रैप हो जाएगा। अब इसे भी विड्थ को भी देखिए, अभी पूरा विड्थ का मैच पैरेंट है कहने का मतलब पूरा स्क्रीन ले रहा है। अगर हम इसे रैप कंटेंट कर देंगे, रैप कंटेंट करेंगे, देखिए जितना टेक्स्चर उतना जगह ले रहा है, ठीक है, चलिए जितना टेक्स्चर में उतना जगह ले रहा हूँ। अब हम कर रहे हैं कि स्क्रीन के ये सटा हुआ है, ठीक है, तो मार्जिन आप देना चाहते हैं तो मार्जिन क्या करें, आप ऊपर में जो ये जो लेआउट है आप ऊपर में ही मार्जिन दे दें, ठीक है। तो लीनियर लेआउट में ऊपर में मार्जिन यहाँ देने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे मार्जिन लिखें। सब सभी जगह से चाहते हैं मार्जिन देना, तो आप जितना मार्जिन चाहते हैं 15 dp, मैंने मार्जिन दे दिया, देखिए ये घसक गया चार जगह से 15 dp, 15 dp स्क्रीन से ये 15 dp का ये स्पेस ले लेगा, ठीक है।
और साथ ही आप चाहते हैं क्या ये मिडिल में आए, ठीक है, ये इस टेक्स्ट है लीनियर लेआउट होने के कारण ही ऊपर है, आप चाहते हैं इसे आप मिडिल में लाना, ठीक है, यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लाना चाहते हैं तो इसके लिए है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी आपको यूज करना है। अब ग्रेविटी में देखिए यहाँ पे सेंटर यूज करेंगे, देखिए ये नीचे आ गया, और यही चीज़ अगर आपको ये ऊपर चाहिए था, अब देखिए ये सेंटर मैंने यूज नहीं किया, ठीक है, तो ये ऊपर ही है। अगर आप चाहते हैं कि दिस टेक्स्ट इस जगह पे आए पूरा पूरा ऊपर के ही बीच में आए, इसके लिए आपको करना है सेंटर हॉरिजेंटल, ठीक है, सेंटर हॉरिजेंटल करेंगे, देखिए ये बीच में आ गया, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं पूरा मिडिल में आए, पूरे स्क्रीन के बीचों बीच, जैसे हमने अपना प्रोग्राम आपको डेमो में दिखाया वैसा करना चाहते हैं, तो आप इसे कर दें सेंटर, लेकिन सेंटर में आ चुका है, ठीक। और अब अगर चाहते हैं इससे हाँ, यहाँ पे मैंने बताया कि दिस इज़ जो टेक्स्ट हमने लिखा है, ऐसा स्ट्रिंग आप अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ पे एक वार्निंग आता है, वो वार्निंग कहाँ आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक येलो कलर का वार्निंग साइन है, और यहाँ लिख रहा है हार्ड कोडेड स्ट्रिंग, बोलता है कि यहाँ से अगर आप स्ट्रिंग रखते हैं तो ये हार्ड कोडेड है, ठीक है, ये वार्निंग दे रहा है। तो इस टाइप का वार्निंग हम चाहते नहीं हैं, तो आप क्या किया टेक्स्ट व्यू में जाए, आपको मैंने पहले भी बता के रखा हुआ है कि यहाँ जो आपका रिसोर्स फोल्डर है, ठीक है, रिसोर्स फोल्डर के अंदर में वैल्यूज़ होता है, और इस वैल्यूज़ के अंदर में स्ट्रिंग, अगर आपने मेरा जो भी डायरेक्टरी का फाइल स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले का जो वीडियो मेरा फिफ्थ क्लास का वीडियो है फाइल स्ट्रक्चर का, मैं हुआ तो ऊपर मैं लिंक दे दूँगा आई बटन पर, इस स्ट्रिंग पर जा कर के आपको स्ट्रिंग जो भी है उसका आप यूज करें, ठीक है, यानी स्ट्रिंग में जाए तो यहाँ पर आपको जो भी स्ट्रिंग आप यूज़ करना चाहते हो अपने ऐप के लिए उसे आप यहाँ डालें, ठीक है, उसे आप अपने XML के फाइल में नहीं डालें, ठीक है, वो आप यानी जो आपका activity.xml है वहाँ मत डालें, क्योंकि वहाँ पे वो हार्ड कोडिंग बोलता है, एरर बोलता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग डालें, स्ट्रिंग का नेम चाहते हैं देना, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम हम दे दिए टेक्स्ट, ठीक है। आप इसमें ऐसा नहीं कर स्पेस नहीं दे सकते, टेक्स्ट टेक्स्ट वन टेक्स्ट व्यू ऐसा नहीं सकते, ठीक है, आपको अगर दोनों के बीच में स्पेस आप पढ़ देना, आप यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट व्यू लिख सकते हैं इस टाइप से अंडरस्कोर दे करके, दोनों के बीच में स्पेस आपको नहीं देना, मैंने इस टाइप को बताया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको आकर के ब्रैकेट को एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो यहाँ पे तो हमने बस अभी तक टेक्स्ट व्यू का नाम दिया, मैंने आपको बताया है सब कुछ, ऐसा वीडियो मैंने पिछले क्लास में करके बताया है कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए आप अपने स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं और स्ट्रिंग का नाम आप दे दिए जिसको आप अपने XML फाइल से एक्सेस करने वाले हैं, उसको एक्सेस करने वाले टेक्स्ट व्यू के नाम से, और क्या एक्सेस करने वाले हैं, तो हम चाहते हैं वहाँ पे लिखें दिस इज टेक्स्ट, ठीक है, दिस इज टेक्स्ट, ये टेक्स्ट दिखे वहाँ पे, ठीक है, ये लिखा हुआ वहाँ दिखे, दिस इज टेक्स्ट अगर लिखना हुआ लिखना चाहते हैं तो इसे आप कॉपी कर लें, चाहे इसी को आप वहाँ पर लिख सकते, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, और आप अपने XML फाइल में जाए activity.xml फाइल में, और इसे आपको यहाँ लिखना है। तो मैं बताता हूँ कि आप इसे लिखें कैसे, आपको उस फोल्डर पर एक्सेस करना पड़ेगा जिस फोल्डर में है, तो आप ये देखें कि पहले ये है कहाँ, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में है, रिसोर्स के अंदर में वैल्यूज़ के अंदर में स्ट्रिंग है, तो आपको यह इसे एक्सेस करने के लिए ऐट द रेट आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे क्या करें, बस स्ट्रिंग है ना स्ट्रिंग फोल्डर, तो आप बस यहाँ पे एस लिखें, एस लिखते ही यहाँ बता देगा आपको कौन सा है, आपने देखे नीचे वाला टेक्स्ट व्यू हमने क्रिएट किया था, ठीक है, तो खुद बता रहा है कि ऐट द रेट से हम फोल्डर के अंदर जाते हैं, ठीक है, एट द रेट से हम फोल्डर के अंदर किस फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, स्ट्रिंग फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट XML के अंदर, और उसके अंदर से हमने क्या जो भी बनाया है टेक्स्ट व्यू इसे हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो ऐसा करते ही देखिए आपका वहाँ पे ऑटोमेटिक दिस इज टेक्स्ट आ चुका है, अगर आप अगर ऐसा नहीं करते तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, आ चुका है, लेकिन जैसे ही हमने इसे पेस्ट किया देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू में देखिएगा, मैं बता रहा हूँ प्रीव्यू में देखिए, इस जगह देखिए प्रीव्यू में, इस प्रीव्यू को मैं थोड़ा और जूम कर दूँ, यहाँ देखिए अभी कुछ भी नहीं है, जैसे ही हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे आप प्रीव्यू देख सकते हैं, दिस सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू दिख रहा है आपको, स्ट्रिंग के साथ अपने टेक्स्ट व्यू को लिखना है, देखिए स्ट्रिंग के साथ टेक्स्ट व्यू को लिखे तो यहाँ पे लिखे दिस इस टेक्स्ट जो हमने लिखा था अपने स्ट्रिंग फोल्डर में वो यहाँ पर आ चुका है,
अब साथ ही इसे कलर को चेंज करना, तो आप लिखें यहाँ पे टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे मुझे एक कलर याद है हैश, आपको हेक्सा डेसिमल को यूज करना, तो हैश FFF2, ठीक है। एक येलो कलर को मुझे याद था, तो हैश FF2 जो हेक्सा डेसिमल कोड है। अगर आप इसे कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप पहले ये हैश FF2 कर दें, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसे ब्लू करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसे जितना ब्लू करना चाहते हैं वो सारा कुछ सिलेक्ट कर दें। हाँ आई थिंक ये सही है। उसके बाद यहाँ पर आ गया, ये कलर चेंज हो गया। तो देखिए अभी तक हमने सारा कुछ यहाँ पर कर लिया है। इस टाइप से आपका लेआउट पे तैयार हो चुका है, XML का हमने कोडिंग कर लिया। हाँ एक चीज़ और करना चाहते हैं कि इसे हम अब हम कोडिंग करना चाह जाएंगे जावा से, तो जावा से कोडिंग करने के लिए हमें अपने इस टेक्स्ट व्यू का एक ID देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ID से हमें पहचान होता है। तो यहाँ पर आपको ID देना है। तो ID देने के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक @ID आएगा, ठीक है, तो आप इसका यूज़ करेंगे @ID, और यहाँ पर ID का नेम कुछ दे दीजिए। तो हम दे रहे हैं टेक्स्ट 1, ठीक है, टेक्स्ट 1 हमने एक ID दे दिया। इस ID एंड टेक्स्ट 1 को हम वहाँ से एक्सेस करेंगे अपने जावा फाइल से, ठीक है। तो आई थिंक आप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे कि एक हम लेआउट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट व्यू की अभी प्रॉपर्टी हमने अब तक आपको इतनी बताई, ठीक है। अब ये आपके XML की हमने कोडिंग की अभी टेक्स्ट व्यू के लिए। अब हम चलते हैं जावा फाइल में, ठीक है। जावा फाइल में क्या करना है कि आपको टेक्स्ट व्यू को पहले एक्सेस करना है। तो आप पहले टेक्स्ट व्यू को लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू विजेट्स को यहाँ पे आपको एक्सेस करना है। टेक्स्ट व्यू विजेट्स लिखेंगे, और उसके बाद आपको लिखना कहाँ आप जान लें। यहाँ पे एक्सटेंड जो किया है मेन एक्टिविटी जो क्लास है, आपका जो क्लास का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी, और ये एक्सटेंड किस पे किया गया है, ऐप कॉम एक्टिविटी से, ठीक है। एक्चुअल में ये एक्टिविटी क्लास से इनहेरिट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या टेक्स्ट व्यू अपने विजिट्स यहाँ पे दे दें। आप टेक्स्ट व्यू विजिट्स का यूज़ करना चाहते हैं, इसका आपको एक वेरिएबल बनाना होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया। पहले इसे मैं अपने इस जगह पर ले आता हूँ, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, इसका हमने एक वेरिएबल बना लिया, ओके। और यहाँ पर हम एक, चलिए हम आगे उस वक्त उसकी कोडिंग करेंगे। अगर टेक्स्ट व्यू हमने लिया और आपको बाकी की प्रोग्रामिंग कहाँ करनी है, तो देखिए यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड है, ठीक है, जो ओवरराइड होकर के ये जो ऑन क्रिएट मेथड आया है, ठीक है। तो इस ऑन क्रिएट मेथड में आपको प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, इस ऑन क्रिएट मेथड में प्रोग्रामिंग करनी है। तो पहले देखिए आपको तो इस टेक्स्ट व्यू को पहले फाइंड करना पड़ेगा। आपने जो टेक्स्ट व्यू बनाया है, ठीक है, इस टेक्स्ट व्यू को यानी इस विजार्ड्स का आपने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, इसका नाम दिया टेक्स्ट व्यू। अब इस टेक्स्ट व्यू को आपने जो आपने XML बनाया है उसको आपको इस जावा फाइल में पहले फाइंड करना पड़ेगा, और फाइंड करके इस वेरिएबल में डालना पड़ेगा। अब इस वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, इस वेरिएबल में डालने के लिए पहले तो ये वेरिएबल लिख लें टेक्स्ट व्यू इक्वल टू, एक मेथड है फाइंड व्यू बाय ID, ठीक है, फाइंड व्यू बाय ID। और यहाँ पर आपको यहाँ पर किस फोल्डर में आपका XML रहता है, तो आप जान लीजिए आपका XML रहता है रिसोर्स में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर में दिखा दूँ। रिसोर्स के अंदर में आप जब लेआउट ओपन करेंगे तो यहाँ पे activity.xml है। तो आपको यहाँ पे जब लिखना पड़ेगा कोडिंग, तो आप क्या करेंगे, R का मतलब रिसोर्स, डॉट R के अंदर में क्या है, हमें ID का कुछ करना है, तो R.ID, और ID का हमने नेम क्या दिया है, टेक्स्ट दिया है, तो डॉट TEXT text1 दिया था, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया text1, ठीक। और इसे टर्मिनेटर दे दें, और देखिए ये आपकी ID यानी R मतलब रिसोर्स के अंदर में जो ID आपकी है R.ID, और उसके अंदर में text1 है, text1 नाम का जो ID बना है वो अब यहाँ पे आ जाएगा फाइंड व्यू बाय ID। और ये हम चाहते हैं कि कास्टिंग कर दे टेक्स्ट व्यू टाइप का। तो कास्टिंग करने के लिए आपको पता है कि आप क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू टाइप का ही चाहते हैं, यानी जो ये टेक्स्ट व्यू है, ये जो विजिट्स इसी टाइप का आप चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कास्टिंग कर दें, ये सही रहता है कास्टिंग करना। अभी तो ये बिना किए भी हो जाता है, लेकिन पहले ये नेसेसरी था, तो अब लेकिन टेक्स्ट व्यू में आप इसे पहले कास्टिंग कर दें, ये बेटर है।
अब क्या हुआ, आपका जो आईडी है वो फाइंड होकर के इस टेक्स्ट व्यू के पास आ चुका है, ठीक है। अब आप चाहते क्या है कि जब इस टेक्स्ट व्यू को हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तब इसमें नंबर काउंट होते हुए चले, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप नंबर काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंट कर दें, यानी एक वेरिएबल हमने लिया इंटीजर टाइप का, इसका नाम आई दिया और इसमें हम जीरो पे इनिशियलाइज कर दिए स्टार्टिंग में। ये तो हमने वेरिएबल ले लिया जिसको हम काउंट करेंगे और उसमें वन टू जितने टाइम क्लिक होगा वो बढ़ता जाएगा और उसमें वो शो करेगा। अब क्या करें, ये जो टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, इस टेक्स्ट व्यू को हम ऑन क्लिक मेथड हम इसमें लगाएंगे, जब इस पर हम क्लिक करेंगे यानी लिसनर लगाएंगे, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ आप जावा में पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा लिसनर पे वर्क करता है कोई भी एक्टिविटी, यानी कोई भी आप काम करवाते हैं तो वो लिसनर पे वर्क करता है। तो पहले तो आप इस टेक्स्ट व्यू पे लिखें जो आप वेरिएबल बनाएं, टेक्स्ट व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक, जब आप उस पर क्लिक करेंगे, देखिए ऑन क्लिक लिसनर, जब आप सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे देखिए ऑन क्लिक लिखते यहाँ पर आ जाएगा जो ऑप्शन पहला वाला मेथड सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी आपको टेक्स्ट व्यू पे आपने क्या किया, सेट किया ऑन क्लिक लिसनर को सेट किया, ठीक है। अब इस ऑन क्लिक लिसनर में आपको क्रिएट करना है न्यू, आपको करना है यहाँ पे न्यू ऑन क्लिक लिसनर आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, न्यू बड़े हैंड में लिखिएगा, ठीक है, ऑन क्लिक लिसनर। देखिए ऑन क्लिक लिसनर लिखते ही यहाँ ऊपर में आ जाएगा। देखिए ये जो एंड्रॉयड है वो आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आप जैसे ही इसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक ओवरराइड मेथड दे देगा ऑन क्लिक टाइप का, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब, और यहाँ व्यू दिया है, ठीक है, जब आप किसी व्यू पे क्लिक करेंगे तब ये होगा। देखिए अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक आपने क्या किया, एक टेक्स्ट व्यू बनाया है जो आपने जावा में बनाया था, टेक्स्ट व्यू का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, उसके बाद उस वेरिएबल में आपने इनिशियलाइज कर दिया जो भी आपका जो टेक्स्ट व्यू है उसे फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड से। हम आईडी को यहाँ एक्सेस करने के लिए r.id.text1 लिखे और इसको जाकर के हमने कास्टिंग भी कर दिया जो कि टेक्स्ट व्यू टाइप का जो ही इस टेक्स्ट व्यू में आए, ठीक है, इस वेरिएबल में। अब हम टेक्स्ट व्यू को ला लिए, उसका हम चाहते थे कि इसमें जब क्लिक करेंगे तब कुछ चेंजेस हो, इसको क्लिक करने के लिए टेक्स्ट व्यू का जो वेरिएबल था इसी पे हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर को मेथड को कॉल किया और उसमें हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट को, तो क्या था, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक डॉट लिसनर, आपको बस यहाँ पे ऑन क्लिक कैपिटल हैंड में लिखना था तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, आप एक मेथड ओवरराइड हो जाएगा, वो मेथड है ऑन क्लिक मेथड, ऑन क्लिक मेथड में पास हो रहा है व्यू और ये व्यू ही आपको एक्सेस करने में हेल्प कर रहा है कि आप कौन से व्यू पे क्लिक करें। अब इसमें आपको जो भी करना है आप यहाँ कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट व्यू है इसी में हमको नया कुछ चेंजेस करना है। हमने इस टेक्स्ट व्यू को किया कॉपी, इसे हम कर लिए यहाँ पेस्ट, इसे थोड़ा नीचे कर दो जो आपको ये क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। टेक्स्ट व्यू के बाद आप यहाँ डॉट दें और यहाँ पे एक मेथड है सेट टेक्स्ट, ठीक है, सेट टेक्स्ट मतलब आप इस पर कौन सा टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं, तो देखिए वहाँ पर लिखे थे दिस इज टेक्स्ट लिखे थे, तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं this इसका जूम कर दूँ, this text clicked, अब चेंज कर रहा हूँ मैं, clicked equal to दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कितने टाइम्स clicked equal to concatenate करने से आपको पता है कि जावा में प्लस सिंबल का यूज करते हैं, ऐसे में जावा का भी ट्यूटोरियल बनाया हूँ अपने ही इसी प्लेलिस्ट में, अपने ही 6 मिनट जावा ट्यूटोरियल वाले प्लेलिस्ट में, अगर आप में जावा पढ़ना चाहते हैं तो आप 6 मिनट जावा ट्यूटोरियल में जाके पढ़ सकते हैं, मैंने वहाँ जस्ट क्लास स्टार्ट करके रखा हुआ है। तो हाँ, अब हम यहाँ देख लें कि यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लिक कितना टाइम, तो यहाँ पर हमने आई वेरिएबल बनाया है ऊपर में, ठीक है, आपने यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ आई वेरिएबल बनाया है, इसमें मैं काउंटिंग करूँगा, अभी काउंटिंग किया नहीं है, क्लिक आई टाइम्स आई फिर प्लस कर रहा हूँ उसके बाद लिखूँगा टाइम्स, टाइम्स एक स्ट्रिंग है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग में डबल कोट्स करके लिखना पड़ेगा टाइम्स। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, दिस टेक्स्ट क्लिक्ड इक्वल टू आई दिया वेरिएबल है, ठीक है, टाइम्स, और यहाँ पे आई हमें जरूरी है ये बढ़ाना पड़ेगा तो आई प्लस प्लस हमने किया
तो देखिए यहाँ पे जितना बार क्लिक होगा आई बढ़ेगा और दिस टेक्स्ट इज क्लिक्ड उतना टाइम वो शो करेगा। तो देखिए यहाँ तक हमने पूरी कोडिंग कर लिया। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही कोडिंग है। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। रन करने के लिए आपको पता है कि हम अभी इमुलेटर बना के रखे थे, तो आप अपना इमुलेटर पहले ओपन कर लें, यहाँ से आप इसे ओपन कर लें। मैंने इसे क्लिक किया, इमुलेटर ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक ये ओपन होता तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इमुलेटर ओपन में टाइम लगता है। तो यहाँ हमारा इमुलेटर भी लॉन्च हो चुका है और अब हमें क्या करना है कि अपने इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करना है। तो ये इमुलेटर थोड़ा स्टार्ट हुआ है इसलिए थोड़ा सा ये फंस रहा है सिस्टम, क्योंकि ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन है। यहाँ पे अब हम इसे रन करने के लिए अपने इमुलेटर पे यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हम इसे ओके पे बस प्रेस करना हमें, जो वही इमुलेटर है जिसको हमने क्रिएट किया था पिछले क्लास में, हमने इसे ओके किया। ओके क्रिएट करते ही यहाँ इसे इसी जो इमुलेटर है इसी इमुलेटर पे ये हमारा जो प्रोग्राम है वो अब लॉन्च होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे लॉन्च होने में, ठीक है, जितना थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन कर रखा था। तो थोड़ा सा मैं इसे पॉज करता हूँ। नीचे देख सकते हैं कि आप ये जो बिल्ड रनिंग जो है हमारे ऐप का ये स्टार्ट होना मतलब हो चुका है, मतलब हमारा जो ऐप है वो बिल्ड होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी का जो ये स्टेटस है वो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टेटस शो कर रहा है। ये जब तक बिल्ड हो रहा है जब तक मैं थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डर को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। ये सारा हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। अब ये कुछ टाइम लेगा हमारे ऐप को इंडेक्स करके लॉन्च होने। देखिए यहाँ पे हमारा लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पे ऐसा हम चाह रहे थे हमारा प्रोग्राम वैसा ही है जैसे यहाँ दिख रहा है, दिस इज टेक्स्ट, ये सेम उसी कलर का है, ब्लू कलर का शो कर रहा है। अब इस पर हम एक बार हम प्रेस करेंगे। अभी देखिए प्रेस किए और यहाँ पे शो हो गया, चेंज हो गया, दिस टेक्स्ट क्लिक्ड वन टाइम। फिर अगर हम इस पर अगेन अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये शो करेगा टू टाइम्स। देखिए यहाँ टू टाइम्स का क्लिक करने पर, अब फिर टिक किया थ्री टाइम्स दिखा, अब हम फिर करेंगे फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, इस तरीके से हम सिक्स टाइम्स सेवन टाइम्स जितना हम चाहेंगे उतना टाइम क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पे वो बढ़ता जाएगा। अब इसे बैक करके दिखाते हैं और जो कि जो हमने ऐप डाउनलोड किया है वो किस टाइप के यहाँ पर लोगों में शो करेगा। ठीक है, तो फिर से हम इसे ये ओपन कर रहे हैं, इसे थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। हाँ, यहाँ हमने ओपन किया, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट नाम का हमने अभी क्रिएट किया, इससे जस्ट पहले जो हमने डेमो बनाया था उसका नाम हमने टेस्ट रखा था, बगल में देख रहे हैं। टेक्स्ट नाम वाले को हमने क्लिक किया यहाँ पे और देखते हैं हमारा ऐप ऑलरेडी फिर से लॉन्च हो चुका है। यही है आपका टेक्स्ट वन, टेक्स्ट दिस इज टेक्स्ट लिखा हुआ, फिर वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम। और आपको ये ऐप कैसा लगा, आपको आज का जो हमने सिखाया आज का जो प्रैक्टिकल क्लास, इसमें आप बहुत कुछ सीख लिया होंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक, कैसे हम हमारे इमुलेटर के साइज को बड़ा करते हैं, टेक्स्ट को XML में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं, डिज़ाइन व्यू कैसे होता है, डिज़ाइन व्यू का प्रीव्यू हम कैसे देखते हैं, ठीक है, और मेन एक्टिविटीज़ में हम कैसे उसको वर्क करते हैं, जावा के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ हमने आपको इस वीडियो में बताया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था लेकिन आने वाले वीडियो को टाइम जरूर मैं कम करके बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो यहाँ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये इसे शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस टाइप के वीडियो हमारे एंड्रॉयड के ऊपर लाते रहते हैं। हमने अभी तक आपको विजेट्स के ऊपर बताया था, टेक्स्ट व्यू के ऊपर बताया था, और अब जो हम जो बताएंगे वो अगले विजेट्स के ऊपर बताएंगे, एडिट टेक्स्ट व्यू के ऊपर बताएंगे। देखिए बहुत सारे विजेट्स हैं, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बताया था आपको सारे विजेट्स के ऊपर मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए सारे विजेट्स है, हमने इसके ऊपर बात किया है, सारे के ऊपर बात करेंगे, टेक्स्ट व्यू के ऊपर हमने बात किया है यहाँ पे, उसके बाद एडिट टेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे, इमेज व्यू है, बटन है, टॉगल बटन है, चेक बॉक्स है, स्विच है, रेडियो बटन है, रेडियो ग्रुप बटन है, स्पिनर है, और साथ ही साथ एक मैं और भी दिखाता हूँ, यहाँ पर टोस्ट है, उसके बाद प्रोग्रेस बार, सिक बार, रेटिंग बार, और डेट फिगर एंड टाइम फिगर, इन सारे के ऊपर हम बात करेंगे अपने आने वाले इस वीडियो में। ये सारे विजेट्स हैं, इन सारे विजेट्स के ऊपर बात करेंगे और हम एडवांस टॉपिक पे भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ इसे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।